दुर्गा का रूप है वो, काली का चमत्कार है वो, लक्ष्मी का धन है वो, सीता बन बेटों को लव खुश बना सकती है वो। कमजोरी से मत नाप उनकी ताकत को मेरे दोस्त, जिस हाथ में चूड़िया है उससे कल दुनिया बदल सकती है वो। तो आज हम एक ऐसे इंसान को मिलने आए हैं जो तमाम लेडीज़ को अपने पैरों पर खड़ा करके और एम्प्लॉयमेंट देकर प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो चलो सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबान। मैम सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकुश है। अश्विनी शिनोशा। तो आपका, सबको मालूम है, पूरे इंडिया को मालूम है आपका जो स्टोरी है, तो आप ही बोलिए क्या है आपका वो जो रियल स्टोरी। ओके, सो रियल स्टोरी इज अक्टूबर 2nd 2019 में एक स्टोरी वायरल हुई थी इंटरनेट पे, जिसमें उसका मेन हेडलाइन था MBA कपल वॉज सेलिंग ब्रेकफास्ट एट कांदिवली स्टेशन। एंड हम लोग ये कर रहे थे, हमारे घर पे जो एक आंटी आते थे खाना बनाने के लिए, तो उनको थोड़े से फाइनेंशियल क्रस्ट थे, एंड उनको हेल्प करने के लिए फाइनेंशियली वी वांटेड टू रेज सम फंड्स। बिकॉज ऑफ दैट वी स्टार्टेड पुटिंग अप दैट स्टॉल एट कांदिवली स्टेशन, जिसमें हम लोगों ने नाश्ता जो वो आंटी बनाते थे वो नाश्ते को हम लोग कांदिवली स्टेशन पे लेके जाके सेल आउट करते थे। तो वो अचानक से 2nd of October को एक लेडी आई और उन्होंने फेसबुक पे लिखा, और वो चीज़ इतनी वायरल हुई कि लोग आज, जैसे आपने बताया, सारे इंडिया में हमारे ये इनिशिएटिव के बारे में सबको पता है। तो दैट वाज समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। सो आज हम लोगों ने उसी ब्रेकफास्ट स्टॉल को एक छोटा सा शेप दिया हुआ है, बिकॉज हम लोगों को इतना सपोर्ट इंटरनेट से मिला, व्यूअर्स से मिला। बहुत लोगों ने हम लोगों को पूछा कि आप इसको आगे कैसे लेके जाना चाहते हो। तो वही सोचने के बाद, बहुत ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद, लास्ट 1 ईयर में हम लोगों ने वो स्टॉल को एक शेप अप देते हुए, जबकि वहाँ पे हम लोग एक लेडी को हेल्प कर रहे थे, आज हम लोग यहाँ पे 6 लेडीज़ की टीम है हमारी, जिसमें हम लोग 6 विमेन को यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अन्नपूर्णा पराठा स्टॉल में, जहाँ पे लेडीज़ अपने अपने टाइमिंग स्लॉट्स में आते हैं, कन्वीनियंट टाइमिंग स्लॉट्स में, और यहाँ पे आके वो अपना जॉब भी करते हैं प्लस ट्रेनिंग भी लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर उनको ऐसा लगे कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है, अब मैं ट्रेन हो चुकी हूँ बिजनेस करने के लिए, तो वो अपना खुद का जाके वहाँ पे एक सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए जो भी हमारा एक सपोर्ट रहेगा और जो ट्रेनिंग रहेगी इनिशियल स्टेज में, वो हम लोग उनको प्रोवाइड करने की इच्छा रखते हैं। ग्रेट आइडिया। और अभी आपका फ्यूचर प्लान्स, किधर आप, गोल्स क्या है उनका? राइट, सो अन्नपूर्णा पराठा स्टॉल, जैसे अश्विनी ने बताया कि ये कोई प्लान्ड इनिशिएटिव नहीं था, इट जस्ट स्टार्टेड इवॉल्विंग फ्रॉम अ फूड स्टॉल एट कांदिवली स्टेशन टू नाउ अ सोशल एंटरप्राइज विच इज़ एम्पावरिंग एंड एनेबलिंग लाइवलीहुड फॉर 6 women. सो एज सच, वेरी ऑनेस्टली, वी डोंट नो वेर इट विल गो, बट वेर वी वुड वॉन्ट टू टेक इट अहेड इसकी हम चाहते हैं कि अन्नपूर्णा एक ट्रेनिंग हब बने, जहाँ पे जो विमेन कुछ करना चाहते हैं उनको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिले, यहाँ पे वो आके काम सीखे, इनिशिएटिव ले। बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए, जैसे कस्टमर मैनेजमेंट हुआ, वेंडर मैनेजमेंट हुआ, हाउसकीपिंग हुआ, हॉस्पिटैलिटी हुआ, टेस्ट हुआ, हाइजीन हुआ, इन फैक्टर्स में हम उनको ट्रेन करें। एंड वी वांट कि हमारे यहाँ पे टीम में जितनी भी लेडीज़ ज्वाइन होती है वो आगे जाके अपना होम डिलीवरी किचन या अपना एक रेस्टोरेंट सेटअप करे, दैट इज़ द आइडिया। और आपको ये इंस्पिरेशन, आपका जो वर्क है मेन, वो करते करते ये साइड में आपने जो चालू किया है, राइट, वो इंस्पिरेशन किधर से आपको? सो वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई लॉस्ट माय मॉम इन द ईयर 2019, एंड माय मॉम यूज्ड टू ऑलवेज से दैट, यू नो, इफ यू एम्पावर अ लेडी, फैमिली कैन बी ब्रॉट आउट ऑफ पॉवर्टी। अगर आप किसी महिला को सक्षम करते हो तो वो उतनी ताकत रखती है कि वो अपने पूरे परिवार को जो गरीबी है उसमें से बाहर ला सकती है, क्योंकि मेरी मॉम ने मेरे फैमिली के लिए वो किया है। सो वी नो दैट कि इफ़ गिवन अ राइट प्लेटफॉर्म, अगर लोगों की सोच को बदल के अगर हम महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दें तो वो बहुत कुछ कर सकती है, एंड दैट इज़ वेयर आर इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम। एंड नो वंडर वी हैव हैड सपोर्टर्स लाइक दीपाली भाटिया मैम, जिन्होंने ये पोस्ट फेसबुक पे पहली बार लिखा था जहाँ से वो वायरल हुआ। देन वी हैव भरत शिंदे, जो मेरे बहुत अच्छे मेंटर है, हिरेन शाह करके हमारे एक मेंटर है, यतिन शाह करके हुज़ अनदर मेंटर,
ये सारे लोग कभी फोरफ्रंट पे नहीं आए. मेरे पापा है नीलेश शाह, मेरे भाई है ध्रुवेन शाह, दिव्या भाभी, दीज पीपल हैव नेवर बीन इन द फोरफ्रंट, लेकिन इन लोगों के सपोर्ट की वजह से हम ये आज कर. मेरे दोनों पराठे रेडी है. ये है पिज़्ज़ा पराठा ऑफ 150 रुपीज़ और ये है पनीर चिल्ली पराठा ऑफ 199 रुपीज़. इसमें आपको वेरिएंट्स मिल जाएंगे. इसमें एक्चुअल में दो आते हैं ऐसे पराठा, मतलब टोटल 6 पीसेस. मेरा इतना नहीं होगा, उसके लिए मैंने ये वाला लिया है. सो फर्स्ट पॉइंट, आप सब जगह खाते हो, किधर भी खाते हो, प्रेजेंटेशन मैटर अ लॉट. और इन्होंने जो प्रेजेंटेशन रखा है, केचप दिया है, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, और ऊपर से जो डेकोरेटिव किया है बेबी कॉर्न, वो सबसे अमेजिंग है पिज़्ज़ा पराठा में. और पनीर चिली पराठा में वो लोग ने अमूल बटर दिया है, केचप दिया है, पिकल दिया है, एक चटनी दिया है. और फर्स्ट अपन टेस्ट करेंगे पनीर चिली पराठा. सो इसमें वो लोग ने साथ में अमूल बटर दिया है. मेरे को बटर बहुत अच्छा लगता है पराठे के ऊपर. तो अपन पोर करेंगे और वो लोग स्पून फोक वो सब वुड का रखा है, तो नो टेंशन. अप्लाई ये खाने का, पराठा खाने में अलग मज़ा है ऐसे बटर अप्लाई करके. सो अभी एक तो ये फुल गरम है, अभी टेस्ट करेंगे ये ग्रीन चटनी के साथ. ये पराठा बहुत हेल्दी है, पनीर है,
कैप्सिकम है, अनियन है, पूरा मेकिंग आपने देखा है और पराठा है, क्या इसमें आपको क्या अनहेल्दी चीज़ मिल रहा है? और पर माँ का प्यार होता है ना खाने में, वो ये पराठे में है। सब लोग 10 दिन बार खा लो, 11 डेज बार खा लो, फिर 12 डे आपको घर का ही खाना चाहिए होता है। बट आप इधर खाओगे तो आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आप बाहर का खा रहे हो। ये इतना टेस्टी, क्वांटिटी वाइज क्वालिटी वाइज किधर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, और प्रेजेंटेशन तो आपने देखा ही कितना अच्छा है। ये है पिज़्ज़ा पराठा। ये लोग का बेस्ट पार्ट मेरे को क्या लगा कि वो लोग ने पराठे में भी जो मॉडर्न रखा है ना, जो पिज़्ज़ा अभी सब यंगस्टर्स को पिज़्ज़ा बर्गर वो सब अच्छा लगता है, तो उन्होंने पराठे में ये पिज़्ज़ा का इन्वेंशन किया है। तो अभी टेस्ट करते हैं। ये केचप है, पिज़्ज़ा का बहुत टेस्ट आ रहा है, एक्चुअल पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट आ रहा है, ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप पराठे में खा रहे हो। उन्होंने सब अमूल का यूज़ किया, बटर अमूल का, मोज़रेला अमूल का, चीज़ अमूल का, और उन्होंने दो अपने मेकिंग में देखा होगा, एक पराठे में स्टफिंग डाला और ऊपर से और एक पराठा डाला। तो आप खाली ये भी लोगे ना, बहुत हैवी फील होगा आपको ये, और टेस्ट में भी अमेजिंग है। ये है जया दीदी, और ये आई जिन्होंने इतने प्यार से जो पराठा टेस्ट किया था, वो इतने प्यार से बनाया था और इतना टेस्टी बनाया था। थैंक यू, थैंक। और आपको कब से आपने मतलब ये पराठा का कैसे आपने ये चालू किया? ये यहाँ आने से पहले इंटरेस्टेड तो थी मैं कुकिंग में, हाँ। पर यहाँ के यहाँ ही तब से और भी ज़्यादा सीख गई, और अभी मेरे को 1.5 साल हो गया इधर, और जब कस्टमर को खिलाते हैं वो तारीफ करते हैं, बोलते हैं माँ के हाथ का जैसा लग रहा है, दीदी के हाथ का जैसे आपने बोला, हाँ। तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाती है, घर पे खाते तो, हैं ना, हाँ, वही हमारा इरादा है, और मन से खुशी मन से जो बनता है वो अच्छा ही बनता है। थैंक यू, थैंक यू। और आपने कब से और आगे भी मतलब अभी तो मैं इधर ही हूँ, और आगे अन्नपूर्णा की हेल्प से मैं अपना खुद का भी आपके वजह से ये और बड़ा अन्नपूर्णा बनने वाले हैं। मैं मेरे मॉम को सबको इधर लाने वाला हूँ। जरूर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, लोगों का बहुत प्यार तो मिला ही है, बट एज वी ऑल नो कि बिजनेसेस इन दीज टफ टाइम्स आर टेकिंग अ लॉट टू जस्ट सर्वाइव, तो हमारी लोगों से सिर्फ यही अपील है कि हमें आप सेक्टर 8 चारकोप में बेस्ड है, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, सिर्फ इसीलिए ये नहीं आई है क्योंकि ये एक सोशल एंटरप्राइज है, बट हमारे पराठे डेफिनेटली टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आई है। और बहुत सारे ऐसे NGOs या सोशल सर्विस ग्रुप्स होते हैं जो फूड चैरिटी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हमारी उनसे भी अपील है दैट वी वुड बी रियली इंटरेस्टेड इन टाइंग अप विद यू गाइस, बिकॉज वेरी ऑनेस्टली हौसला और जिद तो है ही हमारी अन्नपूर्णा के पीछे, बट राइट नाउ व्हाट वी रियली नीड इज सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ योर लव एंड योर ऑर्डर्स एंड योर फुटफॉल एट आर रेस्टोरेंट, विच विल रियली हेल्प अस सर्वाइव दीज टफ टाइम्स। थैंक यू सो मच मैम। सर थैंक यू सो मच कि आपने अलाउ किया इधर शूट करने के लिए, इट्स आवर प्लेजर। थैंक यू। और मैम आपको कुछ बोलना है? यस, अन्नपूर्णा पराठा स्टॉल, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये एक शुरू हुआ था किसी की हेल्प करने के लिए, और ये आज की तारीख में भी एंड इन फ्यूचर ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू बी अ नॉन प्रॉफिट वेंचर, इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट एनी प्रॉफिट्स फॉर एनीबडी, सो इट इज़ कम्प्लीटली टू एम्पावर वुमेन कमिंग हियर, एंड इसमें से ट्रेन होके लेडीज़ अपना खुद का कुछ कर पाए, जैसे जया दीदी ने आपको बताया ही होगा कि वेरी सून शी इज़ गोइंग टू स्टार्ट हर ओन वेंचर, जिसमें अन्नपूर्णा विल बी सपोर्टिंग हर टू गेट इट एस्टैब्लिश। तो वैसे ही हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ आए वो यहाँ पे काम थ्रू आउट द लाइफ ना करें, वो यहाँ से सीखें और आगे चल के अपना खुद का कुछ शुरू करें, जिससे कि सच्चा एम्पावरमेंट जो हम बोलते हैं विमेन एम्पावरमेंट वो हो सके। तो दिस इज़ आवर गोल, एंड वी वॉन्ट अन्नपूर्णा टू बी अ सक्सेसफुल मॉडल, एंड वी आर एबल टू रन एंड
ट्रेन एंड स्टार्ट मेनी सच एंटरप्राइजेज जहाँ पे वुमेन आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, दे आर एबल टू डू एंड ग्रो ऑन देयर ओन. थैंक यू मैम, थैंक यू सर. होप तो ये बहुत बड़ा बन जाए और ये अफकोर्स बनेगा क्योंकि टेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट सब कुछ बेस्ट है इनका. आप लोगों का ऐसे ही प्यार रहा, आशीर्वाद रहा तो जरूर बहुत चाहिए. वी हैव बीन रियली ग्रेटफुल टू पीपल ड्यूरिंग कोविड टाइम्स भी हमें चांस मिला कि जो माइग्रेंट लेबरर्स यहाँ से अपने घर जा रहे थे, हमने उन्हें एक थेपला कैंपेन के थ्रू हेल्प की थी. okay. जहाँ पे हमने करीबन 1,00,000 थेपले को पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था माइग्रेंट्स के लिए. okay. और बहुत सारे लोगों ने उसके लिए अपने फंडिंग जो है अपनी तरफ से दी थी हमें. सो वी हैव बीन डूइंग सच स्मॉल बिट्स एंड पीसेस. द एंटायर एम ऑब्वियसली इज कि इवेंचुअली कहीं ना कहीं से अपने घर से ही शुरुआत करके किसी की हेल्प कर सकते. बहुत अच्छा थॉट है आपका. होप तो ऐसा थॉट सबके पास आए. वी होप दैट. थैंक यू सो मच. थैंक्स थैंक्स माधव एंड एंटायर टीम ऑफ फूडीट्यूड. दे आर रियली अमेजिंग गाइस एंड द काइंड ऑफ डेडिकेशन एंड द काइंड ऑफ अटैचमेंट दैट यू हैव टू द एंटायर कॉन्सेप्ट. वी आर श्योर यू विल बी वन ऑफ दोज बेस्ट यूट्यूब चैनल्स इन इंडिया. थैंक यू. थैंक यू. होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और ये वीडियो ये कॉन्सेप्ट के लिए लाइक तो बनता है. टिल देन टाटा बाय.